Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you are doing well. So for today, you're going to need two files. One is the one that we were working on yesterday. आपके पास वो फाइल होनी चाहिए जो हमने जिसपे हमने काम किया था कल एंड तक. You should have that file open. And the second thing you need for today is the two files that I've uploaded in Google Classroom just now. आप वहां पे देखें सेशन 10 के अंदर एक एक्सेल फाइल आ रही होगी और एक पीडीएफ फाइल आ रही होगी. प्लीज डाउनलोड दोस टू फाइल्स एज वेल. सो वंस यू हैव दीस फाइल्स अवेलेबल विद यू प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट. All right, so I hope all of you have the files now. I've only got confirmation from two of you, Shagufta and Shehzad. Do you have the files? Okay, so we were working on this last time on this Excel file. And I asked you to experiment with the data that we had, the Titanic data set. I asked the upload is you try to do some further, try to explore this data using pivot tables and pivot charts and try to come up with something interesting out of it. Koi aapne interesting insights aapne nikalni hai in addition to what we did yesterday. So I suppose I think Yaver was not here yesterday. Shehzad also missed a major part of the class. आप लोगों ने अच्छा हाँ आप लोगों के पास तो नहीं होगा. ठीक है, तो शगुफ्ता एंड उसामा, डू यू हैव एनी इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा? डिड ट्राई मेकिंग एनी न्यू पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स, और कुछ इंटरेस्टिंग मिला आपको उसके अंदर से? अस्सलाम वालेकुम सर. जी बिल्कुल सर. डाटा अगर हम उसमें से मतलब कुछ गेन करना चाहें तो वो तो बहुत कुछ है. आई थिंक हम बहुत सी इंफॉर्मेशन और बहुत सी स्टोरीज वहां से कलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन जो मैंने की थी सर, वो एक तो मैंने जो है वो एज ब्रैकेट के हिसाब से जो है वो
सबसे पहले एज ब्रैकेट के हिसाब से मैंने पैसेंजर क्लास जो है वो कलेक्ट की थी. Okay, so let me follow what you're saying. So if I were to copy this here, so I've got analyze yahan pe field list. Okay, so let me remove everything from here. So you're basically asking me to put age bracket there. ठीक है, age bracket आ गया उसके बाद. So age bracket मैंने column में डाल दिया. Okay, age bracket को you put in the column. All right. Yes, sir. So rows में passenger class. Okay, rows में hired passenger class. Okay. And values में sir passenger ID. Passenger ID. So you need count of passenger ID. इसको हम change कर देते हैं. Count में right click, show values as summarize values by count. Okay. And sir passenger rows में passenger class के बाद आप इसमें वो जेंडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने फिर उसको मोर जो है वो एलिबरेट किया था कि फिर फीमेल्स में कितनी थी और मेल्स कितने. लाइक दिस. यस. अच्छा, तो समथिंग लाइक दिस. यस सर. ओके, तो ये हमें जो है वो पैसेंजर्स मिल जाते हैं जिन्होंने किस क्लासेस के साथ उन्होंने टिकट बाय किए थे, किस क्लासेस में थे वो. एंड मतलब हम यहाँ से फिर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में कितने लोग थे और उनमें से फीमेल्स कितनी थी, इनमें से मेल कितने थे. ऐसी सेकंड क्लास में, और फिर जो मैंने इसका वो चार्ट बनाया था सर, उसमें जो मुझे इनसाइट मिले थे वो कि जो थर्ड क्लास में जो 20 to 29 एज ब्रैकेट है उसमें सबसे ज्यादा पैसेंजर्स. ओके, सो दिस इज द चार्ट दैट वी हैव. डिड यू हैव समथिंग सिमिलर एज़ वेल? यस सर, ये देखिए आप थर्ड क्लास में मेल कैटेगरी में 20 to 29 जो एज ब्रैकेट है उसमें सबसे ज्यादा पैसेंजर्स हैं. एंड फिर उसके बाद हम और चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में सबसे ज्यादा फीमेल ब्रैकेट में थे और वो ब्रैकेट थी 30 to 39. एंड सेम एज मेल में ऑलमोस्ट जो है 30 to 39 और 40 to 49 थे जो मेल कैटेगरी में फर्स्ट क्लास में. And then second class में सर जो है वो male ऐसी मतलब हम insight इसमें से ले सकते हैं. और एक और था सर, वो था कि siblings wise मतलब जो है वो कितने लोग survive किए थे और कितने नहीं किए, कितने percent people survive किए थे और कितने नहीं किए थे. Okay, so you are saying something like this. Age bracket को भी निकाल दें, survive. So is this what you're saying? यस सर, फिर उसके अंदर फिर हमने एज ब्रैकेट भी मैंने डाल दी थी सर. एज ब्रैकेट ये मोर मतलब उसको मोर एलैबोरेट करने के लिए, वरना ये इनसाइट जो था वो ठीक था. राइट, सो यू हैव टू आल्सो बी केयरफुल अबाउट द इंटरप्रिटेबिलिटी ऑफ व्हाट यू डू. सो अगर मैं यहां पे देखें एज ब्रैकेट भी डाल देता हूं तो ठीक है, इट मे मेक सेंस, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल के इतने ज्यादा नंबर्स ना हो जाएं कि आपको समझ ही ना आ रहे हो कि अच्छा ये हो क्या रहा है. फॉर एग्जांपल दिस ग्राफ, इट्स रिलेटिवली डिफिकल्ट टू रीड. यस सर, ऑफ कोर्स अगर आपको इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए इट मे बी पॉसिबल कि आप ये शो कर दें, लेकिन जनरली आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा क्लटर ना हो, आप थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए. उसका तरीका ये होता है कि आप इसमें से भी फिर आप कुछ चीजें आप इसको ग्रुप कर दें कुछ एज ब्रैकेट्स को, देन इट माइट मेक मोर सेंस. आप इसको चिल्ड्रन, एडल्ट्स इनमें ग्रुप कर दें ताकि बहुत ज्यादा ये कैटेगराइजेशन ना आ रही हो. सो दैट्स पॉसिबल. यस सर. अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज जो आपको यहाँ पे देखना चाहिए, जो ब्लैंक आ रहा होता है ना, जो मिसिंग वैल्यूज आ रही होती है, इनको यू जनरली वॉन्ट टू रिमूव फ्रॉम योर एनालिसिस. तो आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, यहाँ से फिल्टर में जाके आप ये ब्लैंक्स को अनचेक कर सकते हैं. सो दे आर रिमूव्ड फ्रॉम योर डेटा, ताकि वो आपका रिजल्ट्स को खराब ना कर रहे हो. अच्छा ठीक है, 714 आता है. बिल्कुल सर. सॉरी, सामी सेड समथिंग. सर मैंने कहा ये मैंने की थी ऑलरेडी, मतलब मैंने ब्लैंक्स जो है वो वहां से खत्म कर दिए थे और यही 714 द एग्जैक्ट नंबर.
Okay, great. ठीक है जगुफ्ता, what you wanted to say something as well? Yes sir, मैंने भी इसका काम किया था सर, उसमें मैंने पहले जेंडर लिया था, उसके बाद Okay, so you started with gender in rows? Yes sir. Okay. सर उसके बाद फिर मैंने रोज में एज ली थी. Okay, rows में you also put age there. Okay. Yes sir. और उसके बाद सर मैंने values में ली थी count of passenger ID. Okay. Count of passenger class. Count of passenger class. Okay. And और sir उसके बाद sum of survived. Sum of survived. जी सर, फिर मैंने डिजाइन में जाके सर उसको टेबुलर फॉर्म में उसको किया था, तो सर उन्होंने मुझे ना इसमें सारा एज वाइज जो फीमेल है ना उनका जैसे सारा एज वाइज असेंडिंग ऑर्डर में ना 0.75 से स्टार्ट करके सारी जितनी भी एज की फीमेल्स हैं और जो मेल्स हैं ना उनका मुझे उन्होंने सारा दिखा दिया था. ये जो 16 फीमेल्स थी ना उनमें से जो 24 ईयर्स की जो एज थी ना जिनकी, उनमें से सिर्फ 2 जिनकी डेथ हुई थी और बाकी सारी सर्वाइव की थी. उन्होंने इकट्ठा डाटा, और फिर जब मैं क्लिक करती थी डाटा को, जैसे 16 पे मैंने क्लिक किया था तो उन्होंने मुझे उनका पूरा डाटा, उनका टिकट का फेयर, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मुझे दिखा दी थी सर. जी ओके. सो शगुफ्ता, फर्स्ट ऑफ ऑल एज को आपने यहाँ पे डाला है रोज के अंदर. And I told you it's not a very good idea to put a numeric variable in rows or columns. देखें यहाँ पे rows के अंदर आपके पास इतनी सारी values आ गई यहाँ पे, and it does not make a lot of sense. जब भी आपके पास कोई numeric values होती हैं, unless वो कुछ किसी तरह से आपने categories में divide किया हो उनको, या 5-6 categories maximum बन रही हो, अगर इस तरह की numeric values हैं, you do not put them in rows or columns. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच सेंस. ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी रोज बन गई हैं, इट्स इट हार्डली मेक्स सेंस इन द वे कि आप इसको कोई इंटरप्रेट करना आपके लिए कोई आसान नहीं है. द सेकेंड थिंग इज आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस थिंग रिप्रेजेंट्स. काउंट ऑफ पैसेंजर क्लास, ये आपको क्या दे रहा है काउंट ऑफ पैसेंजर क्लास? काउंट ऑफ पैसेंजर क्लास आपको क्या दे रहा है? सर ये काउंट ऑफ पैसेंजर क्लास जो है ना सर, उन्होंने इसमें इसका काउंट किया हुआ, जब हम इसे क्लिक करते हैं ना तो वो जो पैसेंजर क्लासेस है ना जिसमें ऐसे 2 में अगर उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें वो सारा उसका डाटा शो हो जाएगा. पैसेंजर क्लास में इस क्लास में अगर 2 है, 1 में अगर 2 है, उसका सारा उन्होंने सर काउंट किया है. नहीं, लेकिन ये तो काउंट बेसिकली आपके रोज को काउंट करता है, नंबर ऑफ रोज कितनी है. ये देखें काउंट ऑफ पैसेंजर आईडी भी एग्जैक्टली वही है और काउंट ऑफ पैसेंजर क्लास भी वही है, तो उसके अंदर कोई काउंट ऑफ पैसेंजर क्लास को डालने की इट डज नॉट मेक एनी सेंस. एग्जैक्टली सेम डेटा है दोनों के अंदर, दोनों जो है नंबर ऑफ रोज ही काउंट कर रहे हैं और उनमें कोई भी फर्क नहीं है. अगर आपने नंबर ऑफ पीपल काउंट करनी है इन ईच ऑफ दोस एजेस, तो फॉर ईच ऑफ दोस एजेस तो आपने पैसेंजर क्लास का कोई उसमें कोई फायदा नहीं है, पैसेंजर आईडी ऑलरेडी डज दैट. अच्छा चलिए ठीक है. सो वी डिस्कस्ड सम ऑफ दिस यस्टरडे. दोज ऑफ यू हु मिस यस्टरडेज क्लास, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग प्लीज इसको वीडियो आई विल ट्राई कि मैं आज इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूं. प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द वीडियो एंड यू फॉलो थ्रू एवरीथिंग दैट वी डिड यस्टरडे एंड देन ऑफ कोर्स आज के भी जो भी हम कवर करेंगे यू कैन ऐड दिस टू दैट एज वेल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी वर सपोज्ड टू बी कवरिंग इन दिस कोर्स एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉमनली यूज्ड if in any of your work jab bhi aap analysis karenge kisi data ke upar, it makes your life a lot easier rather than ki aap koi functions use karke is tarah ke analysis kar rahe ho. Isme sirf aapko drag and drop karna hota hai
in the boxes that you see on the right, and you can do many different kinds of analysis with just a few clicks in a very short amount of time. So it's very useful. I would recommend ki aap log isko jin logon ne class miss kiya yesterday, make sure you watch the video and get up to speed about this as well. Acha, so we started with this. Humne Titanic aapas se teen data sets the. We started with this Titanic data set. Humne iske upar kuch analysis run kiya tha using all these different tables and these charts. So aaj jo hai humne kya karna hai, we want to quickly do a couple of exercises on the other data sets that we have in this file, and then we'll move to the other PDF file that you've just downloaded. Uske saath jo kuch data sets hain, hum wahan pe move kar jayenge. Acha, let's have a look at this data that you have in the next sheet. That's the travel agent worksheet. Iske andar you've got this data set. Now let's first try to understand what this data is all about. So ye travel agents ka data hai, to isme kya aa raha hai? We have some variables here, by country, resort name, and number of days, travel method, price, and holiday ID. Okay, so it basically shows, agar aap is data ko dekhe, every row in this data represents one holiday package that is designed by this particular travel agent. Theek hai, ek travel agency hai jo unke paas different holiday packages hai, and every row in this data represents one such holiday package. Theek hai, now this is the holiday ID. Har holiday ka ek ID hai, it's likely to be unique. You have the price of that package, you've got the travel method, you've got the number of days the trip is going to take, the resort name wherever you're going, and the country where that resort is located. Theek hai, sab bas ye data. Now what you want to do is you want to create a pivot table from this data and then use the filters within to view the average prices of holidays. This is the key part. View the average prices of holidays that have a travel method of plane and a resort name that begins with the letter S. Theek hai? So let's think about this. Sabse pehle to jo hum kaam karte hain, pivot table iska bana lete hain. Pivot table, how would you make a pivot table out of it? Ab iska tarika ye hota hai, you select the whole data. Data ko aapne select kar liya, click on the insert tab at the top. Yahan pe left side pe aapke paas aa raha hoga pivot table. Theek hai, table to aapne range aapne select kar liya. The next thing you need to look at is where you want to place the pivot table. So by default ye kya hota hai, ye new worksheet mein jata hai. Iske andar hum ye kar lete hain, hum isi worksheet ke andar ye jo problem hai, isi jo ye problem statement likhi hui hai, isi ke niche hum bana lete hain. इसकी लोकेशन हम दे देते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे ये पिवट टेबल जो है इसको प्लेस कर दे इस सेल के अंदर. ओके, सो व्हेन वी क्लिक ओके हियर, यू विल सी यहाँ पे आपके पास एक पिवट टेबल शो हो गया है लाइक दिस. ठीक है, एंड यू हैव गॉट ऑल द वेरिएबल्स हियर जो हमारे पास डेटा के अंदर जो ऊपर कॉलम नेम्स थे वो यहाँ पे सारे शो हो गए. एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू डू नाउ, view the average prices of holidays. So सबसे पहले देखिए आपको क्या चाहिए, prices की average चाहिए. ठीक है, you need the average of prices. So price हमें चाहिए, price के ऊपर हमें कुछ calculation करनी है. Price is of course an numeric variable, उसकी average भी करनी है आपको. तो ये आपको कहाँ पे डालना पड़ेगा, ये आपको values box में डालना पड़ेगा. तो आपने इसको यहाँ से उठाया और इसको उठा के आपने values के अंदर डाल दिया. ठीक है, ओके. नाउ सम नहीं चाहिए आपको, आपको बेसिकली चाहिए इसकी एवरेज. तो आप राइट क्लिक करते हैं वहां पे, राइट क्लिक करके यू गो टू समराइज वैल्यूज बाय एंड यू चेंज इट टू एवरेज. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट यू नीड, व्हाट एल्स यू नीड. सो ये आपको एवरेज शो हो गई है
ऑफ ऑल हॉलीडे पैकेजेस. ठीक है, अभी हमने इस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया, अभी हमने सिर्फ ये किया है कि हमने इस पूरे डेटा की जो प्राइस वाला कॉलम था इसकी हमने एवरेज ले लिया सर. ठीक है, हाउएवर व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अप्लाई सम फिल्टर्स टू दिस एज वेल. आपको सब हॉलीडे पैकेजेस की एवरेज नहीं चाहिए प्राइस की, यू नीड द एवरेज फॉर ओनली दोज हॉलीडेज दैट हैव अ ट्रैवल मेथड ऑफ प्लेन and a resort name that begins with the letter S. ठीक है, आपको सिर्फ ये वाले चाहिए. So आपको दो variables और include करने हैं. One is travel method and the other is resort name. ठीक है, so let's go there. Travel method आपको चाहिए और आपको दूसरा चाहिए resort name चाहिए. That should start with particular value. Okay. So, इनकी आपको एवरेज चाहिए. नाउ व्हाट कैन यू डू नाउ, सो द वे टू डू दिस वुड बी आपको इसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करने हैं. ठीक है, ट्रैवल मेथड के ऊपर और रिजॉर्ट नेम के ऊपर फिल्टर अप्लाई करने हैं सिर्फ. तो क्या कर सकते हैं, ट्रैवल मेथड को भी आप फिल्टर में लेके जा सकते हैं और रिजॉर्ट नेम को भी आप फिल्टर में लेके जा सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी पुश इट डाउन अ बिट. तो मैंने क्या किया, ट्रैवल मेथड को भी मैं फिल्टर में ले गया, रिजॉर्ट नेम को भी मैं फिल्टर में ले गया. सो बेसिकली आपको करना ये है कि ट्रैवल मेथड और रिजॉर्ट नेम के ऊपर आपने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं. अब क्या फिल्टर अप्लाई करने हैं, ट्रैवल मेथड आपको सिर्फ वो चाहिए जिस जो आपका प्लेन हो. सो आप क्या करेंगे, यू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, यहाँ पे आप इसको प्लेन सेलेक्ट कर लें एंड दैट्स इट. ठीक है, इसको आपने प्लेन सेलेक्ट कर लिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू वांट द रिजॉर्ट नेम टू बी स्टार्टिंग विद द लेटर एस. ठीक है, रिजॉर्ट नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए, लेटर एस से स्टार्ट होना चाहिए. ओके, सो व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट. सो एक तो ये तरीका है कि आप यहां पे करें सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स कर लें, इसके ऊपर क्लिक करें. पहले अगर आप इसको क्लिक नहीं करते तो आप सिर्फ एक सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स के ऊपर क्लिक कर दें एंड देन यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम देयर. अच्छा, अब रिजॉर्ट नेम दैट बिगिंस विद द लेटर एस, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो डाउन देयर और आप जाके देख सकते हैं एस से जो स्टार्ट होते हैं सिर्फ उनको सेलेक्ट कर लें. सो वी गॉट वन हियर दैट सैंटियागो एंड द अदर इज सेविल, आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, सो व्हेन यू क्लिक ओके हियर, अब आपके पास आ गया है, दीज आर ओनली द ट्रैवल मेथड्स, दीज आर ओनली द रिजॉर्ट्स वेयर यू कैन गो बाय प्लेन एंड द नेम स्टार्ट विद एस, उनकी आपको एवरेज प्राइस शो हो गई है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वर रिक्वायर्ड टू डू अकॉर्डिंग टू द स्टेट. तो आपको उन हॉलीडे डेस्टिनेशंस की प्राइस मिल गई है जहां पे आप बाय प्लेन जा सकते हैं और जहां पे रिजॉर्ट नेम जो है एस से स्टार्ट होता है. डज दिस मेक सेंस, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? इसमें क्या प्रॉब्लम, एनीवन? अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज जो हमने कल डिस्कस नहीं की, दैट्स कॉल्ड अ ड्रिल डाउन फीचर. ड्रिल डाउन क्या होता है, ड्रिल डाउन में आप ये कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू आपके पास डेटा के अंदर आ रही हो ना, सो फॉर एग्जांपल आई शो यू विद दैट फर्स्ट, जो हमने पहले कल रन किए थे टेबल्स. सो देखें, हमने टाइटैनिक डेटा सेट के ऊपर हमने ये एक एनालिसिस किया. इनफैक्ट लेट्स से ये वाला देख लेता है, नीचे वाला काउंट ऑफ पैसेंजर आईडी. अब जेंडर हमारे पास रोज के अंदर आ रहा है, कॉलम्स के अंदर वी गॉट द सर्वाइव्ड वेरिएबल और ये हमारे पास परसेंटेजेस शो हो रही हैं. ठीक है, नाउ इफ यू वर टू लुक एट द एक्चुअल डेटा दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एनी ऑफ दीज नंबर्स, सो फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, अच्छा ये 14.75% जो है, these are the people
out of the total people who did not survive, 14.75% were such that they were females. ठीक है, लेकिन अब ये 14.75% जो यहाँ पे आ रहा है, you want to see कि ये actual कौन लोग हैं. आप डेटा में जाके देखना चाहते हैं कि इस रीजन के अंदर फीमेल्स who did not survive ये कौन थी, इनके बारे में आप देखना चाहते हैं एक्चुअल डेटा के अंदर जाके. तो इसका तरीका क्या होता है, होगा आप इस नंबर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं. So, 14.75% सेल के अंदर लिखा हुआ है. If you were to double click on this, आपको वो सिर्फ वो डेटा दिखा देगा जो उसको कॉरेस्पॉन्ड करता है. So, these are all the females who did not survive in that data. ये आपके पास सारे जो है सिर्फ वो फीमेल्स आ रही हैं. So, लेकिन सिर्फ जेंडर में आपके पास सिर्फ फीमेल्स हैं और कोई कुछ नहीं आ रहा. और सर्वाइव्ड में भी आप देखें, दीज आर ऑल द पीपल हु डिड नॉट सर्वाइव, सिर्फ जीरोस आ रहे हैं. सो ये आपका सारा वो डेटा आ गया है फॉर फीमेल्स हु डिड नॉट सर्वाइव. ये आप देख सकते हैं, अब इनकी एक्चुअल नेम्स आपने देखने हैं या इनकी बाकी आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं. आप डेटा से उसने सिर्फ वो वाली चीजें आपको निकाल के दे दी. ठीक है, ये न्यू शीट के अंदर आपको दे देगा. सिमिलरली ये जो ट्रेवल एजेंट वाला जो था, इसके अंदर यहाँ पे जो आपने एवरेज प्राइस निकाली है 582, अगर आप इस नंबर पे क्लिक करेंगे ना, इसको हम कहते हैं ड्रिल डाउन करना, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इट्स गोइंग टू टेल यू कि ये 582 जो एवरेज निकाली है ये कहाँ से आई है, किन वैल्यूज को यूज, इस डेटा के अंदर से कौन सी वैल्यूज को यूज कर, कौन सी रोज को यूज करके आई है, कौन सी ऑब्जर्वेशन को यूज करके आई है. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस, इफ यू डबल क्लिक ऑन दिस, इट्स गोइंग टू ड्रिल डाउन टू दैट एग्जैक्ट डेटा. तो ये आपके पास वो आ गया जहां से उसने एवरेज प्राइस कैलकुलेट किया. सो देखें, इन सब का ट्रैवल मेथड प्लेन है और इनका जो रिजॉर्ट नेम है दैट स्टार्ट्स विद एस, और ये जो प्राइसेस हैं उसकी उसने एवरेज आपको करके दे दी है. सो इन तीनों को जब आप एवरेज करते हैं, अब देखें राइट साइड पे बॉटम पे आपके पास शो भी हो रही है दैट्स 582, तो वो आपको उसने उस पेपर टेबल के अंदर यहाँ पे शो कर दिया. Is this clear? Or am I going too fast? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? Okay. So we're done with this exercise. अब इसी तरह हम एक और डेटा को देखते हैं. This is another data. जो last sheet आपकी आ रही है, life is a roller coaster. मैं delete कर दूँ पहले ताकि share करूँ आपके साथ तो confused नहीं हो. Yeah. So we've got another data here. Life is a roller coaster. So यहाँ पे we've actually got information about some rides available in an adventure park. ठीक है, ये amusement park है कोई that has all these different rides available. In fact, yeah. So ये different amusement parks के अंदर कुछ rides हैं जो आपके पास available हैं जो show रही हैं इस data के अंदर. ठीक है, so every row represents one such roller coaster, one such ride. You have the name of that roller coaster in the first column. You've got the amusement park where it's located. You've got the type of the roller coaster. हम यहाँ पे देख सकते हैं type के अंदर क्या क्या आ रहा है. Filter apply करके देखते हैं. So we've got steel or wood. So दो types हैं. Either the roller coaster is made of steel or it's made of wood. The design, we've got five different designs for this. Flying, inverted, sit down, stand up, and suspended. Then we have the status. It's operating for all of these. Okay.
opened ke ye kis kab iski start date thi. So we've got some of these rights that are as old as 1932. So that's like around 90 years old from now. And we have their speeds. So I in the last column here, aapko speeds nazar aa rahi hain on roller coasters. Theek hai? Acha. Now, what you want to do is, you want to convert this data into a pivot table. So let's start with that. Sabse pehle hum isko pivot table bana lete hain. Click on the insert button. Pivot table. डेटा तो वही आ गया. आप इसको भी एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसी के अंदर डाल लेते हैं. लेट्स से यहां पे इस लोकेशन. ठीक है, तो वी हैव क्रिएटेड अ पिवट टेबल. नाउ फाइंड द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ ऑल राइड्स दैट सैटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया. तो आपको एवरेज स्पीड चाहिए ऑफ ऑल राइड्स. ठीक है, ओके, हाउ कैन वी डू दिस? अब स्पीड आपका वेरिएबल है, उसकी एवरेज करनी है. स्पीड को उठा के हमने डाल दिया वैल्यूज के अंदर यहां से. ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सम शो कर रहा है. इसको सम ऑफ स्पीड के बजाय वी एक्चुअली नीड द एवरेज ऑफ स्पीड. इस पर राइट क्लिक करते हैं. वी गो टू समराइज वैल्यूज बाय एंड वी कैन गो टू वी कैन सेलेक्ट एवरेज फ्रॉम हियर. So ये भी क्या शो कह रहा है? दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर ऑल राइड्स इन दिस डेटा. ठीक है, अभी हमने कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं किया, ये सब की एवरेज स्पीड आपको शो कर रहा है. देन इट सेज यू हैव टू अप्लाई सम फिल्टर्स. सो दीज फिल्टर्स आर बेसिकली द टाइप शुड बी स्टील, द डिजाइन शुड बी सेट डाउन. ओके, सो ये फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, टाइप पे अप्लाई करना है, डिजाइन पे अप्लाई करना है और अम्यूजमेंट पार्क के ऊपर अप्लाई करना है फिल्टर. ठीक है, ओके. सो टाइप में क्या करते हैं? टाइप में इट हैज टू बी स्टील, स्टील सेलेक्ट कर लेते हैं. डिजाइन में इट हैज टू बी सिट डाउन, डिजाइन में सिट डाउन सेलेक्ट कर लेते हैं. अम्यूजमेंट पार्क शुड हैव द वर्ड एडवेंचर समवेयर इन द टाइटल. ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क में जाके हम क्या करते हैं? सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, यहाँ पे हम सर्च करते हैं एडवेंचर. ठीक है, ये आपको सारी वो वाले दे देगा जहां पे एडवेंचर वर्ड कहीं पे आ रहा हो टाइटल के अंदर. तो ये हमने दो उसने ऑप्शंस दे दिए, एडवेंचर आइलैंड एंड चेजिंगटन वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर्स. सो ये दोनों आपको चाहिए, आप इसको ओके करें. दिस इज द एवरेज स्पीड दैट यू आर लुकिंग फॉर बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस. ठीक है, डज इट मेक सेंस? लेट्स लुक एट दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज. फॉर ऑल द पार्क्स वेयर द डिजाइन इज इन्वर्टेड. ओके, सो लेट्स फर्स्ट गेट अनदर पिवट टेबल. इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं वहां पे. सो वी हैव अनदर पिवट टेबल नाउ. इसमें से मैं सबको रिमूव कर देता हूँ पहले जो चीजें थी यहाँ पे इसके अंदर. ओके, सो वी हैव अनदर पिवट टेबल. व्हाट वी वांट टू डू इज फॉर ऑल पार्क्स वेयर द डिजाइन इज इन्वर्टेड. हम सिर्फ किससे कंसर्न है? विद ओनली दोज पार्क्स. इनफैक्ट ओनली ये राइड्स होना चाहिए था यहाँ पे. फॉर ऑल दोज राइड्स वेयर द डिजाइन इज इन्वर्टेड. सो डिजाइन को हम इन्वर्टेड कर देते हैं. डिजाइन को हम फिल्टर में डाल के फिल्टर में हम क्या अप्लाई कर दें? इन्वर्टेड. ठीक है, ये तो एक चीज करनी है. ओके, व्हाट एल्स डू वी नीड? यू नीड टू फाइंड द नेम्स ऑफ थ्री अम्यूजमेंट पार्क्स विद द हाईएस्ट एवरेज स्पीड्स. तो आपने कोई तीन अम्यूजमेंट पार्क्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी हाईएस्ट एवरेज स्पीड्स है. ओके, सो एवरेज स्पीड की बात हो रही है, यानी कि आपको स्पीड तो चाहिए इस टेबल के अंदर. हम वो स्पीड डाल लेते हैं. स्पीड कहां पर आएगी? आपको वैल्यूज में डालनी पड़ेगी, बिकॉज उसके एवरेज भी करने हैं आपको. स्पीड हमने वैल्यूज में डाल दी और इसकी हमें क्या करना है? एवरेज चाहिए, तो राइट क्लिक करते हैं. इसको हम समराइज वैल्यूज बाय एवरेज कर लेते हैं. ओके, ये हमारे पास एवरेज आ रही है अभी इन्वर्टेड डिजाइन वाले रोलर कोस्टर्स. लेकिन आपको करना क्या है? फाइंड द नेम्स
of three amusement parks with the highest average speeds. तो सबसे पहले तो आपको देखते हैं amusement parks की आपको हर amusement park की आपको average speed चाहिए और फिर उसमें से आपको top three चाहिए जिनकी average speed top three में आ रही है. Okay, so names of amusement parks भी आपको add करने हैं. Amusement parks का names आपके इस variable, ये variable है amusement park वाले variable, इसको उठा के हम क्या करते हैं रोज में डाल देते हैं. ये आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे सारे अम्यूजमेंट पार्क. इनमें फिल्टर लगा हुआ है अभी पहले वाला पिछले टेबल वाला, इसको हम रिमूव कर देते हैं. क्लियर फिल्टर. ये आपके पास सारे अम्यूजमेंट पार्क आ गए दैट हैव द डिजाइन इन्वर्टेड इन एनी ऑफ देयर रोलर कोस्टर्स. ठीक है, ये सारे आपके पास अम्यूजमेंट पार्क आ गए. नाउ व्हाट यू वांट इज यू ओनली वांट द नेम्स ऑफ थ्री अम्यूजमेंट पार्क with the highest average speeds. आपको कोई फिल्टर अप्लाई करना है इसके ऊपर such that you only get the three parks with the highest average speeds. Any idea what we can do? हमने ये पहले किया हुआ है. Top three find करना है. So filter कैसे apply कर सकते हैं इसके ऊपर? Anyone? अभी आपके पास six आ रहे हैं total. आपको सिर्फ top three चाहिए. In terms of average speed. Sir, हम जो average speed निकाली है, sir, उसमें top three लेंगे. जो average speed निकाली है उसमें? इसमें से top three लेंगे ना sir, values में जाके. तो कैसे लेंगे? Sir, इसकी वो right click करके वो आएगा नहीं इसका sir? अच्छा ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास रो लेबल्स पे ना ये एक ड्रॉप डाउन आ रहा है. इसके ऊपर आपको फिल्टर अप्लाई करना होगा. पिवट टेबल के अंदर आपके जो फिल्टर्स है ना वो नॉर्मली इस ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके ऊपर ही आपको सारे फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं. इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे राइट ड्रॉप डाउन के ऊपर यू गोइंग टू हैव डिफरेंट ऑप्शंस हियर. वन ऑप्शन इज गोइंग टू बी फॉर लेबल फिल्टर्स. लेबल फिल्टर का मतलब ये होगा कि जो आपके लेबल्स हैं ये रो लेबल्स ये जो जहाँ टेक्स्ट वैल्यूज हैं उनके ऊपर भी फिल्टर अप्लाई करना है आपने. द सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी वैल्यू फिल्टर्स. वैल्यू फिल्टर्स आपके पास जो भी आपने वैल्यूज डाली होंगी उसके ऊपर आपने फिल्टर अप्लाई करना है. ठीक है, इसी तरह सॉर्टिंग के लिए भी ना आपके पास ऑप्शन होती है मोर सॉर्ट ऑप्शन में जाके वेदर यू वॉन्ट टू लेट्स से सॉर्ट बाय अम्यूजमेंट पार्क या फिर एवरेज ऑफ स्पीड. तो आपने इसके ऊपर सॉर्ट करना है इसके ऊपर सॉर्ट करना है वो भी कर सकते हैं. अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू व्हाट वाज रिक्वायर्ड देयर एंड दैट वाज कि आपको एवरेज स्पीड आपको सिर्फ वो अम्यूजमेंट पार्क्स चाहिए दैट हैव द हाईएस्ट एवरेज स्पीड्स. आपको थ्री टॉप अम्यूजमेंट पार्क्स चाहिए दैट हैव द हाईएस्ट स्पीड. तो आपको फिल्टर किस पे अप्लाई करना है? आपको वैल्यूज के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है. ठीक है, आपको तीन highest average speeds चाहिए. तो आप value filter में जाएंगे, बस ये option होती है top 10 की. ठीक है, we click on top 10. तो हमें top 10 की बजाय in fact क्या चाहिए? हमें top 3 चाहिए. तो 10 को आप change करके यहाँ पे 3 कर दिया आपने. ठीक है, okay. Top 3 items by average speed. Average speed ये आपका एक ही value आ रही है. अगर आपके पास multiple values होती है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आपको किसके ऊपर आपने टॉप थ्री लगाने. इसको ओके करेंगे. यू हैव ओनली द टॉप थ्री अम्यूजमेंट पार्क्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड्स शोन हियर. इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं आप फ्रॉम लेट्स से द टॉप स्पीड टू लोएस्ट स्पीड डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर. उसका तरीका क्या होगा? दोबारा से ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे. यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा मोर सॉर्ट ऑप्शंस के ऊपर. इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट के आपको असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है. बाय डिफॉल्ट आप इसको मैनुअली भी ड्रैग कर सकते हैं. अच्छा वो भी आपको दिखा देता हूँ. मैनुअली भी आप ड्रैग कर सकते हैं. मैनुअली ड्रैग करने का तरीका क्या होता है? आप यहाँ पे जाएं किसी भी सेल के ऊपर इसके बॉर्डर पे जाके आप देखेंगे सेल के बॉर्डर पे देखें कहीं भी जाएं आपका ये कर्सर चेंज हो जाता है.
वैसे आपके देखें ये व्हाइट कलर का प्लस साइन आ रहा है, लेकिन आप बॉर्डर पे कहीं जाएंगे ना ये इस तरह से क्रॉस आ जाएगा ब्लैक कलर का, इनफैक्ट फोर डॉट्स टाइप आ जाएंगे या क्रॉस आ जाएगा इस तरह का, दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। जब ये कर्सर का शेप आ जाए तो आप इसको क्लिक करके इसको ड्रैग अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसको आप नीचे ले जाएं अगर आप चाहते हैं कहीं पे, इसको खुद से आप ड्रैग कर सकते हैं मैनुअली लाइक दिस, ठीक है। तो आप मैनुअली भी इस तरह से सॉर्टिंग कर सकते हैं व्हाटएवर वे यू वांट। ऑटोमेटिकली करने का तरीका क्या होता है, आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यू क्लिक ऑन मोर सॉर्ट ऑप्शंस, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए फ्रॉम टॉप स्पीड फ्रॉम हाईएस्ट स्पीड टू लोएस्ट स्पीड, तो आप डिसेंडिंग पे गए, और अब आपको अम्यूजमेंट पार्क पे डिसेंडिंग नहीं करना, वो तो फिर उसको अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, आपको किस पे करना है, आपको एवरेज स्पीड पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, स्पीड के ऊपर आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने यहाँ पे एवरेज स्पीड सेलेक्ट कर लिया, डिसेंडिंग सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके किया, तो अब देखेंगे आपका डेटा सॉर्ट हो गया है फ्रॉम द हाईएस्ट स्पीड टू लोएस्ट स्पीड, और आपको सिर्फ टॉप थ्री amusement parks show rahe in terms of their average speeds, but of course filter apply hua hai inverted design, and that's what you were required to do here. Does this make sense? Any questions on this? So I'll give you a minute to just digest it, and in the meantime you should let me know if you have any questions. Otherwise we'll move on to the files that I uploaded on Google Classroom today, aur uske upar hum ab exercises kuch karenge on pivot tables and pivot charts. So let me know if you have any questions on what we have done until now. Ji, anyone? Shehzad, are you there? शहजाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? यावर, आर यू देयर? यावर एंड शहजाद, yes, I'm on the call. Ji, Yavar, were you able to understand what we did today? Yes, sir. I can hear you. So, ji, sir, a bit of understanding. अच्छा, Yavar, आप मुझे बताएं कि अभी आप जो हमने कल, क्योंकि आपने मेरे ख्याल क्लास मिस की थी, तो are you lost या फिर कुछ समझ आ रही है आपको क्या हो रहा है? नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे हो गई है, बट ऑब्वियसली व्हेन आई विल बी डूइंग प्रैक्टिस देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर, बट आई गॉट द आइडिया हाउ डू वी बेसिकली क्रिएट द पिवट टेबल, हाउ वी चेक फिल्टर्स एंड देन फर्दर चेक व्हाट डेटा डू वी नीड एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, ऑलराइट, ग्रेट। सो अभी हम जो कुछ और एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, आई होप यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग यूजिंग दैट एज़ वेल। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे। शहजाद, आपको समझ आ रही है? यस सर, एक्चुअली यस्टरडे आई हैव हैविंग अ प्रॉब्लम विद माय लैपटॉप, नाउ इट्स ओके, बट इट इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज अपलोड द वीडियोस एज सून एज पॉसिबल। ओके, आई ट्राई टू अपलोड बोथ द वीडियोस टुडे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक्स सर, थैंक यू। ओके, okay, great. So Shagufta, you had a question? Yes sir. Sir, जो travel agent वाला जो आपने जिसमें pivot table बनाया था sir, उसमें जो number of holidays थी जो 3 हमने mention करनी थी sir, वो आपने कैसे की है? travel agent में sir, travel agent वाला था जो drill down वाला sir. Yes, so drill down basically confirm the, yeah, so drill down होता है कि आप किसी भी नंबर के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपको मिल जाता है कि पीछे
डेटा कौन सा है. सो आप यहाँ पे 582 पर डबल क्लिक करें ना, तो आपको बता देता है कि अच्छा जो एवरेज 582 आ रही है वो कहाँ से किस डेटा से आ रही है. मैंने 582 पर डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास ये तीन रोज शो हो गई. ये तीन हॉलीडे डेस्टिनेशंस हैं जो हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हैं. दैट वाज कि ट्रैवल मेथड प्लेन होना चाहिए और रिजॉर्ट नेम जो है एस से स्टार्ट होना चाहिए. तो इन तीनों की एवरेज जो प्राइस वहां पे शो हो रही है. सो यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि देयर आर थ्री हॉलीडे डेस्टिनेशंस जो हमारे पास इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हैं. ठीक है, is this clear Shagufta? Sir, I have a question. Ji. Sir, let's suppose हमारे पास कोई ऐसी requirement आ जाती है that we don't have any option. Usama, can you please speak up a bit? आपकी आवाज बहुत कम आती है. Okay, sir. Sir, मेरा question ये है कि suppose हमारे पास ऐसी requirement आ जाती है जो इस pivot table की जो हमारे पास filters हैं इसमें possible नहीं है. Like something, कोई text related चीज ऐसी आ जाती है कि वो requirement ऐसी आ जाती है कि दरमियान से उसका text ऐसा हो, like something else इस तरह है, या कुछ भी ऐसा आ जाए जो, तो वो फिर उसको हम form नहीं करेंगे pivot table में. Usama, I'm really sorry, आपकी आवाज फिर कट जाती. You'll have to put your mic closer to your mouth. अब सर, can you hear me? जी. Okay sir. सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है जिसको हम जो है वो पिवट टेबल या जो पिवट टेबल के जो फिल्टर्स हैं इनमें परफॉर्म नहीं कर सकते. लाइक कोई टेक्स्ट की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उसको हम पिवट टेबल में परफॉर्म नहीं करेंगे. आप मुझे बताएं क्या फिल्टर आपको अप्लाई करना है. लेट्स ट्राई डूइंग इट हियर. आपके क्या स्पेसिफिक चीज आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं. सो लेट्स कॉपी हियर. मैं एक और पिवट टेबल बना लिया मैंने यहाँ पे. लेट मी रिमूव द फिल्टर्स. सो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ. क्लियर फिल्टर. ओके, सो आई गॉट दीज अम्यूजमेंट पार्क्स और उनकी एवरेज स्पीड्स आ रही हैं उनकी सारी राइड्स की मेरे पास. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ फिल्टर वुड यू वांट टू अप्लाई ऑन दिस. लाइक अब ये ऑकवर्ड थीम पार्क है सर. ठीक है, अब उसमें वो हमें वो रिक्वायरमेंट भी आ सकती है. रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाए कि उसके सिर्फ वुड आए उसके कहीं समवेयर एल्स, वो तो चलें ठीक है, हम उसके वो सर्च करके वुड लिखते हैं. ये तो आई थिंक आपने किया भी है एडवेंचर के साथ. या एंड सर, कोई इफ कंडीशन आ जाए कोई ऐसी, मतलब मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज जो है वो अभी मेरे जहन में कोई है नहीं है, बट कोई आ जाए अगर कोई ऐसी जो परफॉर्म नहीं हो सकती है इसमें, या फिर हर चीज परफॉर्म हो सकती है, या जो आपके पास नॉर्मल उसमें टेक्स्ट फिल्टर्स होते हैं ना टेबल के अंदर, यू हैव ऑल ऑफ दोस हियर एज वेल. या आपके पास लेबल फिल्टर्स में आपके पास सारे आ रहे हैं, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं. So it means के हम कोई भी रिक्वायरमेंट हमारी आती है वो पिवट टेबल और पिवट चार्ट्स में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. No, it's not necessary. If it gets too complicated, बहुत ज़्यादा आप जो है वो multiple if conditions आ रही हैं, तो maybe it might not be possible. आप इसके अंदर जो filters apply कर सकते हैं, आपके पास सारे यहाँ पे show हुए हैं. इसके अलावा आपने कुछ और ऐसी चीज़ है जो इनसे achieve नहीं हो सकती, then you'll have to go outside the pivot table. Yes, sir. यही मेरा question है. Thank you, sir. Yeah, but it's going to be rare cases जहाँ पे आपको इससे बहुत ज़्यादा कोई complicated filter apply करना, because it's very elaborate जो यहाँ पे उन्होंने options दी हुई हैं. लेकिन of course it is entirely possible कि वो जैसी आपकी complicated requirement आ जाए जो यहाँ पे नहीं हो रही है उस case के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो आपने एक दफा pivot table बना लिया आप इसको copy करके आप इसको right side आप इसको कहीं पे और जाके इसको आप paste values कर लें. तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ये पेस्ट वैल्यूज कर लें तो ये पिवट टेबल से बाहर चले जाएंगे. ठीक है, तो नाउ यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट विद इट. आपने एक दफा समरी बना ली ना इस तरह पिवट टेबल को यूज करके, एंड देन यू कैन टेक इट आउटसाइड द पिवट टेबल
and work with it using formulas if you want. Yes, sir. That's fine, sir. Okay. All right, so please move to the PDF file that you have already downloaded from Google Classroom. और उसके साथ ही आपके पास एक और डेटा भी वहां पे आ रहा होगा. That's the KKBL data. KKBL है, उसके अंदर एक ELEC mart है. You've got two data sets there. वो वाली Excel फाइल खोल लें, and you've got this PDF file as well. ये भी आप PDF फाइल भी खोल लें. All right, so does everyone have this PDF file in front of them? Okay, great. So, this is a very extensive document jiske andar hum pivot tables ko zyada detail mein explore karenge and we'll try to extract the most out of it. Sare iske features jitne possible hain, we'll try to go through them one by one. So it's a document made by the dean of the business school at ITU, Dr. Shazif, and I'm using that in this class. So, आपके पास ये सबसे पहले बिल्कुल ये बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है. So those of you who missed yesterday's class as well, आप इसको बिल्कुल शुरू से भी लेकर चल सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि आपका जो है पिवट टेबल्स किस तरह से चलते हैं. बट फॉर द रेस्ट ऑफ यू हु डिड अटेंड yesterday's क्लास, हमने ये जो बिल्कुल बेसिक चीजें स्टार्ट वाली भी वी ऑलरेडी कवर्ड देम, कि आप किस तरह से काउंट, एवरेज, सम, अपर्स, ये सारी ऑप्शन होती हैं, समराइज वैल्यूज बाय के अंदर, पिवट टेबल कैसे बनाते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. ठीक है, उसके अंदर सिंपल जो है ये बॉक्सेस जो होते हैं, रोज, कॉलम्स, वैल्यूज, फिल्टर्स, ये बॉक्सेस, हर बॉक्स से क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड दिस द स्टफ यस्टरडे. ठीक है, सो वी विल मूव ऑन फ्रॉम दिस. The first thing that we want to do is this exercise here. Hum ELEC mart sales jo file hai, we are going to start with that. Ye jo ELEC mart sales wali file hai, we're going to start with this. So ye basically aapke paas ek you can think of it like an online store jahan pe you've got information about the orders that are coming to that store. So every row in the data represents one single order. So for example, in the first order you can see you have information like the date that the order was placed, day kya tha, time kya tha, morning, afternoon, evening. What was the region? Maybe they're operating in different regions. So, kis region se wo order place hua? Card type, ELEC mart ne apna jo hai, they seem to have their own loyalty card or something like that. It shows whether the customer was using their card or they were not using their card. Gender, by category.
So it's got three values, high, medium, and low. Then you've got items ordered. I think by category probably represents ke aapke jo usne jo bhi product order kiye hai, whether that's a high value product, whether it's a medium value product, depending on the price of the product. ठीक है, items ordered is number of items kitne order kiye hain, total spending depending on the price of the product and the number of items ordered, quantity or price ko usko multiply kare, so you get this. And then you've got this last column that says high item. I'm not sure what this represents. Just try to figure it out. High item. Do we have any description for this? No. So maybe matlab jo highest uski priced item usne jo purchase ki. Yeah. So it looks like it's probably कि जो भी उसने आइटम्स परचेज की हैं उसमें से जो हाईएस्ट प्राइस वाली प्रोडक्ट है वो शायद यहाँ पे शो हो रही है. दैट्स व्हाट इट्स प्रॉब्ली मींस. या आई थिंक ये लग रहा है मुझे. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज दैट यू हैव, दिस द डिफरेंट वेरिएबल्स दैट यू हैव इन दिस डेटा. And you want to do some analysis in this. Okay, so we'll start from this, from the first exercise shown here, and that's this. Insert a new pivot table in the Electmart sale. So the rest jo main yahan pe skip kar raha hu, I would recommend that you go through all of this. Hum ye sari cheeze jo class mein the kal, humne cheeze already discuss kar li hui hain. That's why I'm skipping this. But for the rest of you, I'd really recommend that you go through this document in detail. Even if we have discussed this in class, because it's going to clear a lot of things for you. So abhi is exercise ko dekhte hain. It says insert a new pivot table in the Electmart sales Excel file, which gives us the average of total spending by day of the week. So we need two things: total spending ki average chahiye by day of the week. So we go back to that file. First thing we do is we create a pivot table. Humne pura data ko select kar liya. We click on insert and we click on pivot table. Hum new worksheet bana lete hain and let's say we label this worksheet 1.1. jo hamari exercise ka number hai, that's 1.1. so hum iske andar so what we want to do is we want total spending ki average. So total spending needs to go to values aur iski hame average chahiye. By default it's sum of total spending. What we want is average of total spending. So abhi ye kya show kar raha hai, it's the average of total spending for all the data. So pure data ki usne average total spending show kar di. Theek hai, but what we want is to show the average by day of the week. To uske liye aap kya karenge, ab day ko yahan se uthayenge, rows mein dal denge, and you've got what you wanted. Per day usne aapko show kar diya ki average of total spending kya thi. All right, so ये आपको डेली की एवरेज आ गई है कि हर दिन किस तरह से आपकी टोटल स्पेंडिंग वेरी कर रही थी, उसकी एवरेज वेरी कर रही थी. ठीक है, ओके. नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी वे वी कैन इम्प्रूव दिस टेबल, और इज इट ओके अगर आपको किसी को प्रेजेंट करना होता है ये टेबल, इज इट गुड टू गो लाइक दिस और शुड वी इम्प्रूव इट समहाउ? Any ideas? Sir, sorting करेंगे हम sir, क्योंकि Sunday, Monday, Wednesday, Friday. Okay, so that's one thing. We need to sort this properly. ठीक है, so हम किसी भी day से start कर लेते हैं. If you're starting from Sunday, let's say so Sunday, Monday, then we should have Tuesday. So Tuesday के border पे जाएंगे यहाँ पे. इसको drag करके we can take it up like this. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, we should have Thursday, Friday, Saturday. So now it's sorted, and now it makes more sense as well. आपको ट्रेंड एक तरह से पता चल रहा है कि संडे को, संडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे को एक स्पाइक है, थर्सडे को एवरेज स्पेंडिंग इंक्रीज करी है काफी, एंड द रेस्ट इट्स फेयरली स्टेबल. सैटरडे को इट्स फेयरली लो. सो सैटरडे को काफी लो है, थर्सडे को इट्स
fairly high. So that's what you understand from the data that you have here. Achha, is it good to go like this or should we improve it further? Or is mein kya decimals kam gaye? Okay, decimals yahan pe, in fact ye total spending hai, so total spending ka yahan pe unit kya aa raha tha, it's dollars. Tab yahan pe isko bhi unit change karna padega. Hum right click karenge yahan pe, right click karke we can go to this number format here. यहाँ पे वी कैन सेलेक्ट करेंसी और करेंसी में इफ यू वांट द डेसिमल प्लेसेस वी कैन हैव इट अदरवाइज वी कैन रिमूव देम ऑल टुगेदर. अभी हम लेट्स से टू डेसिमल प्लेसेस रख लेते हैं. ओके करें. नाउ इट लुक्स बेटर. ठीक है. एवरेज ऑफ टोटल स्पेंडिंग ग्रैंड टोटल. दिस वन अदर थिंग दैट डजंट लुक गुड स्टिल दैट्स दिस रो लेबल्स. रो लेबल्स क्या मतलब है? It's basically stands for days here. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं day of the week, right? Now this table looks relatively better and this can be presented somewhere. ठीक है, it looks presentable and we can show it to somebody. ठीक है. अच्छा, इसके लिए just a pro tip. आप ये जो डेज ऑफ द वीक है इसको आपने आपको मैनुअली सॉर्ट करना पड़ा, राइट? हाउएवर दिस इज समथिंग दैट यू वुड नीड टू डू वेरी ऑफ्टन, राइट? आपके पास डेज ऑफ द वीक काफी दफा आपके पास हो सकता है आपको यूज करना पड़े. तो आप इसके लिए ना एक कस्टम लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं. सो आप ये ड्रॉप डाउन में जाए, मोर सॉर्ट ऑप्शन में जाए. So I'm not sure if you have it here. Yeah, so this was more options hai aapke paas yahan pe, more sort options ke andar jaake bhi more options aa rahi hain. Iske andar you can actually, so automatically it was updated auto sort. Acha, okay, I don't see that there. इसको अगर करें descending ascending यहाँ पे भी नहीं आ रहा. Okay, अगर हम simple table में करें किसी में, for example if we were to do it here, यहाँ पे मैं कहीं पे भी apply करता हूँ. Let me just copy that data somewhere. आपने एक दफा सेव कर सकते हैं इसको अपने अपने एक्सेल के अंदर. आपको सिर्फ एक दफा करना पड़ेगा पर आपके एक्सेल के अंदर ये सेव हो जाएगा. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस कि आपके पास ये टेबल, आपके पास ये डेटा है, इसमें मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ. या सो ये सिंपल टेबल है, इट्स नॉट अ पिवट टेबल. इसमें मैंने ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया, सॉर्ट बाय कलर में जाएंगे तो आपके पास ये कस्टम सॉर्ट की ऑप्शन आ रही होगी. कस्टम सॉर्ट में ना आप ये डे सॉर्ट एंड वैल्यूज, दैट्स फाइन. ऑर्डर के अंदर ना आपके पास एक ऑप्शन आती है कस्टम लिस्ट की. कस्टम लिस्ट में देखें, आई हैव क्रिएटेड सम लिस्ट्स हियर ऑलरेडी और कुछ बाय डिफॉल्ट भी वैसे होती हैं, कुछ मैंने ऐड की हुई है एक दो के अंदर. आप यहाँ पे अपनी अपना एक कस्टम ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं फॉर एनी particular column here for any type of data that you would have. For example, देखिए मैंने grades के लिए मैंने एक sort एक order अपना बनाया हुआ है A star A B C. A B C वाला वे तो आगे it doesn't matter much, लेकिन A star जो है वो Excel by default जो है A के बाद sort करता था इसे. तो मैंने इसको अपने custom list बना ली कि A star सबसे ऊपर होना चाहिए, then should have A and so on. तो आप अपनी एक custom order बना सकते हैं यहाँ पे, right? So इसके अंदर for example like I can create another my custom list that starts with let's say Sunday. Already यहाँ पे एक बनी हुई है. देखिए Thursday यहाँ पे different है और इस data के अंदर different है. So that's why I'm having to make a new list for this data. So मैं बना सकता हूँ Sunday, Monday के लिए I have MON, then I have Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and that's it. ठीक है, तो मैंने अपनी लिस्ट बना ली कि मेरा ऑर्डर ये होना चाहिए डेटा का. आई कैन ऐड दिस लिस्ट हियर. अब मेरी ये कस्टम लिस्ट के अंदर ऐड हो गई है. आई कैन क्लिक ओके ऑन दिस. इसको ओके करूंगा तो देखिए मेरा डेटा ये सॉर्ट कर दिया उसने उसी तरह से उस ऑर्डर के अंदर.
तो मैंने वहां पे स्पेसिफाई किया था संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन. ओके नाउ आई एम नॉट श्योर इफ इट्स गोना वर्क इन द पिवट टेबल बट लेट मी जस्ट ट्राई. अगर मैं पिवट टेबल पे वापस जाता हूं एंड इफ आई वर टू ट्राई एंड सॉर्ट दिस A to Z now. So yes, it works. So Z to A karta, that works as well. And it's A to Z. Yeah. So dekhiye, Excel ke andar meri ab is Excel file ke andar, in fact not in the Excel file, ye aapke Excel program ke andar hi, Excel application jo hai aapki uske andar ek custom order aapne save kar liya. Jab bhi aapke paas kabhi bhi dobara is tarah ka data hoga. अब उसको A to Z सॉर्ट करेंगे, एक्सेल को पता होगा कि इस तरह के डेटा को मैंने किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आपको वो मैन्युअली एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी हर दफा. ठीक है, मैंने अपनी कस्टम लिस्ट बना ली है इस ऑर्डर के अंदर. आई कैन जस्ट क्लिक ऑन A to Z नाउ. एक्सेल नाउ अंडरस्टैंड्स कि इस केस के अंदर A to Z का मतलब ये है कि आपने ये वाला ऑर्डर रखना है, राइट? अदरवाइज यू कैन सी इट्स नॉट अल्फाबेटिकल. ये उस लिस्ट को यूज कर रहा है जो मैंने उसको वहां पर कस्टम लिस्ट बना दी और एक दफा एक्सेल के अंदर. Okay, so let's go back to the PDF and let's move to the next exercise here. Increase the size. अच्छा, तो अभी देखिए first case के अंदर मेरे पास सिर्फ एक variable है rows के अंदर और सिर्फ एक variable है values के अंदर. Let me also show you, अगर मैं rows की बजाय, some of you would say कि अच्छा rows की बजाय मैं यहाँ पे इसको column में भी तो डाल सकता था. That's entirely possible. That's totally fine. यहाँ पे इसको कॉलम के अंदर डाल लूं, so I'll have the same information, but it will be shown like this. But the recommended way is that you should always start with rows first. आपके पास अगर सिंगल वेरिएबल है, you should put that in rows instead of columns. It's because this is how it's going to be easier to interpret, easier to read as well. Columns वाला आप देखेंगे, it's not as easy to read as the rows one was. Okay, so by default agar mere sirf ek variable hai, you would prefer ki aap usko columns ki bajaye isko rows mein rakhe. Theek hai, but then after that if you have more than one variable to aap usko column mein bhi dal sakte hain. But even in that case the recommendation is ki aap columns ke andar you should try ki aap sirf ek variable rakhe, ek se zyada aap uske andar nahi lekar jaye. जनरली स्पीकिंग आप बस अगर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो गए हैं, आप तीन चार पांच आपने डालने हैं लेट्स से पिवट टेबल के अंदर, देन मे बी यू समटाइम्स हैव टू कीप मोर वेरिएबल्स एंड कॉलम्स देन वन, बट एट मैक्स आप टू रख सकते हैं. टू से ज्यादा जो है ना आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि आपका वो डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर आपके पास ज्यादा वेरिएबल्स हो आप रोज में डालते जाए, दैट वुड स्टिल मेक सेंस. लेकिन कॉलम्स के अंदर यू शुड प्रेफर वन एंड एट मैक्स टू इफ यू रियली रियली नीड इट, बट जनरली स्पीकिंग वन से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए कॉलम्स के अंदर. ठीक है, रोज के अंदर ज्यादा भी कर सकते. यू विल सी व्हाट आई मीन बाय दिस व्हेन वी डू सम ऑफ द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस. तो हम देखेंगे कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स एड करते हैं रोज या कॉलम्स के अंदर. सो लेट्स लुक एट द सेकेंड एक्सरसाइज हियर. So again, we're going to be using the ElecMart sales data, and what you want to do is on a new pivot table sheet, let's answer the following questions. So we want to see how the spending is different by gender. So that's what we start from. Okay. So सबसे पहले हम क्या करते हैं? We create a new worksheet. हम एक copy कर लेते हैं. या in fact I'll just keep it here. It doesn't matter. यहाँ पे 1.1 इसको लिख लेता हूँ. So the first exercise that we're doing. Okay. Now what I can do is I can copy all of this. I can create a new. I can copy this here. And now I have another pivot table. I want to see how my spending is different by gender. How my spending is different by gender. अभी मेरे पास total spending आ रही है, average accrual spending. But gender wise देखना चाहता हूँ, I can
add gender to the rows here. Okay, like this. Okay, so females' ki average spending $157 overall per order. Males' ki average spending is $148 per order. Okay, that's what you get here. Now, what if you wanted to break this down further? आप देखना चाहते हैं, let's say कि अच्छा, ठीक है, this is the overall average spending. However, how is the trend different from let's say day by from one day to another? तो अब आप क्या करना चाहते हैं? As shown in the file here, आप gender wise spending को you want to further break it down by day. ठीक है? अब बाय डे इसको फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहते हैं. सो व्हाट कैन वी डू हियर? बाय डे ब्रेक डाउन करने के लिए आप इसके अंदर डे वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं. आप डे को उठाएंगे यहां से, आप रोज में जाके डाल दें इसको. सो यू गेट समथिंग लाइक दिस, राइट? सो नाउ व्हाट यू सी हियर इज, ये जो आप ऊपर सब टोटल जा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, It's actually showing you the overall average spending for males and females. And then below that, you can see for females separately, ke unki average spending kis tarah vary kar rahi thi over the week. And similarly, you can see it for males as well, how their average spending was changing to the week. So, sabse pehle hum dekhte hain females ke case ke andar kya hai. Okay, Sunday, Monday, it's 140. Tuesday को there's a spike like this, 170 पे चलेगी है, फिर 160 है, 200 on Thursday, and then Friday को it comes down a little, Saturday को it's the lowest. ठीक है? In case of males, the spending is highest on Sundays. यहाँ पे देखें, Sunday को highest है, that's 184, and then it goes down like this, and you have another spike here on Wednesday. And then it goes stable and Saturday go below it. At this point, let me introduce you to something else as well. So, आप देखें, आप यहाँ पे इस data के अंदर क्या देखना चाह रहे थे अभी? आप trend देखना चाह रहे हैं कि अच्छा weekly trend कैसा जा रहा है? When is it increasing? When is it decreasing? So, one way is to look at these numbers, but you can see reading all these numbers and trying to figure out the trend is not as easy, right? आपको एक नंबर देखना पड़ता है, उसको बाकियों से कंपेयर करना पड़ता है, so it's a relatively difficult task. One way to think to look at it visually is जो हमने already देख चुके हैं, जो हम already एक दफा पहले discuss कर चुके हैं, that is कि हम analyze पे जाएं, यहाँ पे pivot chart बना लें एक that may look like this. So you could have a chart like this ki females ke andar aapko nazar aa raha hai ki acha Sunday, Monday, then you have higher spending on Tuesday or Thursday ko it's the highest spending, or males ke liye it's decreasing initially, then Wednesday ko thoda sa upar jaati hai aur phir it stays pretty much stable. Sunday ko sabse zyada hoti hai lekin. So you can look at this chart like this, theek hai? But one quicker way without that chart, अगर आपको वो chart use नहीं करना और आपको इसी table को use करके कि आपको साथ साथ क्योंकि values भी show होती जाएं और आपको एक trend भी नजर आ जाए, there's actually a way to do this inside this table as well, and that's called conditional formatting. ठीक है? Conditional formatting में क्या होता है? What you can do here is आप ये इन सेल्स को सेलेक्ट कर लें, so you'll have to do it one by one for females and males separately to understand the trend better. आप क्या कर सकते हैं? आपने सेल्स को सेलेक्ट किया, go to the home tab. सबसे पहला टैब जो है home tab, यहाँ पर सब कुछ ऑप्शन आ रही होगी मिडिल के अंदर conditional formatting. ठीक है? So आप इसको अपना कर्सर इसके ऊपर लेकर जाएंगे. You can see a description ki conditional formatting kya karti hai. You can easily spot trends and patterns in your data using bars, colors and icons to visually highlight important values. So that's what it basically represents. That's what it basically is used for.
But when you click on this, आपके पास different options आते हैं. Highlight cells, top bottom rules, data bars, color scales, icon sets. So ये different visualizations हैं जो आप use कर सकते हैं in your table based on what your requirement is. So let's try something. Let's try, for example, color scales here. ठीक है, color scales में क्या होगा? जो आपकी हाई वैल्यूज होंगी उनको थोड़ा सा डार्क कलर कर देगा या कोई स्पेसिफिक कलर कर देगा, जो लो वैल्यूज होंगी उनको कोई और कलर कर देगा, उनको लाइट कलर कर देगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट, व्हाट यू गिव टू इट. डेटा बार्स में क्या होता है, डेटा बार्स बन जाती है लाइक दिस, आप यहाँ पे शायद थोड़ी सी नजर आ रही हूँ. सो लेट्स एक्चुअली ट्राई सम ऑफ दिस. डेटा बार पे क्लिक करता हूँ मैं, सॉलिड के अंदर इस तरह आ रहे हैं. So, ये आपको सिर्फ डिफरेंट कलर्स की है कि ये ग्रेडियंट फेल है, जिसमें देखें आपको थोड़ा सा शेडोज कुछ नजर आ रहे होंगे, लाइट और डार्क पैटर्न उस तरह नजर आ रहे हैं. सॉलिड फिल में देयर इज नो ग्रेडियंट फिल लाइक दैट, सिर्फ सिंपल सॉलिड कलर है. तो ये आपको डेटा बार्स के बता रही है. व्हेन इट्स फुल दैट मीन्स यू आर लुकिंग एट द हाईएस्ट वैल्यू इन दैट डेटा. In that set of data, मैंने देखें ये सिर्फ ये सेलेक्ट किया था इतना, उसके अंदर highest value का full होएगा और and then corresponding to that आपकी बाकी values show हो रही होंगी कि which one, how high they are relative to that highest value. तो 140 काफी उससे relatively कम है तो उसका इतना data bar show हो रहा है, and similarly for the others as well. इसमें आपको trend एक तरह से नजर आ रहा है कि अच्छा यहाँ पे stable है, फिर increase कर जाता है, Thursday को it's the highest and then it goes down again. ठीक है, दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ. अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि आप इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएं, डेटा बार्स की बजाय कैन आल्सो यूज दिस कलर स्केल्स. कलर स्केल्स में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं. अच्छा, पहले मैं डेटा बार्स को रिमूव कर दूं वहां से. सो क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, ये रिमूव हो गए. कंडीशन फॉर्मेटिंग, कलर स्केल्स. Now we've got different options here. So green, yellow, red scale एक आपके पास है. इसका मतलब ये होगा कि green values वो होंगी that are highest values, सबसे top values होंगी वो greenest shade होगा. तो जो middle में values होंगी उनको yellow shade होगा. जो सबसे नीचे values होंगी उनको red shade होगा. Then you have a red, yellow, green scale. ये opposite हो जाएगा. Red आपकी highest values होंगी, green आपकी lowest values होंगी. So you can choose any of these depending on what your requirement is. I generally prefer rather than those different colors, ये जो same scale आता है, same color वाला होता है, that's generally easier to read. That's green and white scale. So इसमें क्या होगा, green आपकी highest values होंगी and then gradually as the values decrease, it's going to be white in that case. ठीक है, so मैंने यहाँ पे apply किया. आपको एक ट्रेंड सा नजर आ रहा है कि अच्छा 202 सबसे ज्यादा डार्क है, दैट्स द हाईएस्ट वैल्यू, एंड देन इट्स डिफरेंट फॉर द अदर डेज. आई कैन डू द सेम फॉर दिस डेटा एज वेल. इसको मैंने सेलेक्ट किया, आई गॉट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल्स, और ये मैंने इसके ऊपर ये कर दिया. आप देख सकते हैं कि वीकली ट्रेंड किस तरह से दोनों का डिफरेंट नजर आ रहा है आपको इसके अंदर, राइट? सो देखें यहाँ पे फॉर फीमेल्स most of the spending is coming in the weekdays, right? Or weekdays ke andar bhi aapko Thursday ko sabse zyada aa rahi hai, aur Tuesday ko relatively zyada hai. For males, the highest spending is on Sunday and then Monday ko bhi it's fairly high, but weekdays mein generally the spending is relatively lower, except Wednesday ko thodi si hai significant, but अदरवाइज यहाँ पे वीकेंड पे संडे को सबसे ज्यादा स्पेंडिंग आ रही है और फीमेल्स की थर्सडे को सबसे ज्यादा स्पेंडिंग आ रही है. सो एनी आइडिया व्हाई दिस इज द केस, व्हाई इज द स्पेंडिंग हैबिट और द स्पेंडिंग पैटर्न डिफरेंट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स इन दिस केस? एनी आइडिया? सर हमने मतलब इसे स्टोरी निकालनी है हमें. Yes, so what do you think? Why is this trend? Sir, ladies who are spending more on Thursday, females,
और मेल जो है वो संडे को कर रहे हैं, तो मे बी ये भी हो सकता है कि संडे को वो लोग आउटिंग पे जाते हों फैमिली, तो वहाँ पे स्पेंडिंग मेल ज़्यादा करते हैं, इस वजह से हो सकती है। लेकिन ये तो स्टोर है तो सर मे बी वो ऑफ होता होगा संडे को, इसलिए करते हैं, और लेडीज इसलिए थर्सडे को करती हैं कि फ्राइडे को शायद कोई इनके कोई सेल लगती होगी या कोई वीकडेज वगैरह स्टार्ट होते होंगे इस वजह से। सो वीकडेज तो वैसे सैटरडे संडे हैं, मे बी कोई सेल होती हो, कोई ऑफर होते हैं इस वजह से। या सो सो द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन इज के फॉर मेल्स लेट्स से मोस्टली जो है let's say there's a higher percentage of males who work as compared to females, as in ghar se bahar jo kaam kar rahe hain zyada wo males hain, so us case ke andar they are spending time at home on weekends, to weekend pe isliye unki zyada spending hai, right? For females let's say they're not all working women, to us so they have टाइम ड्यूरिंग द वीकडेज एज वेल, सो उसका उनकी उसके वीकडेज में ज्यादा स्पेंडिंग उस वजह से आ रही है। एंड देन स्पेसिफिक डेज का इट लुक्स लाइक देयर माइट बी सम अदर रीजंस, लाइक उसामा मेंशनड मे बी स्टोर की जो है कुछ स्पेसिफिक कोई सेल्स होती हैं ऑन सम पर्टिकुलर डेज, दैट माइट बी अ रीजन जो आपका ये वीकली वीकडेज के अंदर ट्रेंड को दे माइट बी एक्सप्लेनिंग दैट। ठीक है, तो आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके यू कैन एक्चुअली लुक एट द ट्रेंड ऑफ द डेटा लाइक दिस एज वेल। अच्छा, लेट मी जस्ट रिमूव दैट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सो इसको मैं यहां से रिमूव करता हूँ, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। ओके, सो नाउ वी हैव दिस सिंपल पिवट टेबल एज बिफोर, यू कैन कीप इट लाइक दैट एज वेल इफ यू वॉन्ट, but I just want to try something else. So let's say if I were to change this representation like this, ke gender pair pas pehle upar aa raha tha rows ke andar aur day niche aa raha tha, what if I do it the other way around like this? Ab dekhiye aapke paas numbers sare wahi hain, but now it's a totally different kind of analysis. Ab aap dekhiye pehle kya tha, pehle aap gender aapka main comparison tha जेंडर वाइज, और उसके अंदर फिर आप देख रहे थे कि अच्छा डेली ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं। इन दिस केस योर मेन कंपैरिजन इज बेसिकली बाय डे, सो आप डेली देख रहे हैं कि अच्छा डेली ट्रेंड क्या जा रहा है, डेली किस तरह से वेरी कर रहा है आपका आपकी एवरेज स्पेंडिंग, एंड देन यू आर लुकिंग इनसाइड दैट कि अच्छा मेल्स और फीमेल्स में वो किस तरह से वेरी कर रहा है। सो both of these can be looked at, and it depends on what your requirement is, aapko kya chahiye. So you can look at the chart as well, and you can also see ke wo bhi kis tarah se depending on your representation kis tarah se wo change hota hai. So ab yahan pe dekhen is case ke andar, what do you see? Day aapka ek tarah se main category hai, uske andar then you have males and females like this. ठीक है, for the other representation जहाँ पे gender ऊपर था, यहाँ पे gender आपकी main category है, और gender के अंदर then you have the weekly trend. In this case, I think this one makes more sense, or in fact this one gives you better insights. But there can be cases where you may want to use the other representation as well. Okay, let's go back to PDF. And see what else we want to do here. Yeah, so we can also try doing that. So iske andar humne already formatting to sari ki hui hai waise, that's not a problem. Sorting bhi humne kar li hai. Okay, so we'll do the next one. Ye exercise jo hum dusre data ke upar, we'll do it tomorrow, and we'll try to finish this not tomorrow, in fact the next week on Saturday, but during this time what I would want you to do is I would want you to go through this whole document and in fact attempt it on your own. Theek hai, ye aap logo ne kya karna hai,
ये स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर एवरी पार्ट फॉर एवरी सेक्शन. आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज पहले दी हुई है जिसमें एग्जैक्टली बताया हुआ है आप ये रन करते हैं तो आपका ये रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल आना चाहिए, आपको वो डिस्प्ले किया हुआ है. बट देन वंस यू आर डन विद दैट, आपके पास एक एक्सरसाइज है जो आपको खुद से करनी है किसी दूसरे डेटा के ऊपर. द सेकंड डेटा इज बाय द वे इट्स कॉल्ड किंग कोला बेवरेजेस लिमिटेड. ये सब नाम चेंज किया हुआ है, इट्स एक्चुअली डेटा फ्रॉम कोका कोला इन पाकिस्तान. उसको ऑफ कोर्स दीज नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, उसको नंबर्स फज किए हुए हैं कंपनी ने. And then we've got this data, so it's from them. Aap uske upar you can run some of these exercises. Aap pehle practice exercises ko dekhen. Once you're done with that, you can try this exercise that you have at the bottom. I would really recommend that you do it before Saturday, and that will really really help your learning. Agar main aapko sirf khud se main sab kuch karke dikha raha hoonga to it's not going to be as helpful as it's going to be agar aap ye khud se ek dafa attempt pehle aap kar chuke honge before Saturday, so it's going to be much more useful and you'll learn a lot more in that way as well. So please try ki aap ye pura document, you have 4 or 5 pages after this, you try to attempt it before Saturday, uska aapko kafi fayda hoga. And then we'll discuss that in the next class as well. Acha, but before we end, I just want to show you one more thing here, jo humne pehle bhi discuss ki hai kal, but let's just try it here as well. So dekhiye, hamare paas ye is tarah se representation hai, females ke andar ye bas data show hai, males ke andar ye aapke paas data show hai. Isko hum breakup analysis kehte hain, by the way. So breakup kya matlab, hamare paas originally dekhiye, isko main collapse karta hu. This is what you have. So females ki average spending, males ki average spending. Now what you want to do is you want to break it up further, right? To uske liye aap kya karte hain, isko females ka aap dekhte hain aage breakup kaise hai by day, males ka breakup kaise hai by day. So breakup analysis mein kehte hain jab aapke paas rows ke andar ek se zyada variables ho, you have one variable at the top and then you have it broken up with using some other variables. That's called breakup analysis. Acha, ab ye to aapko actual average spending show rahi hai. What you can also do is you can show this as a percentage. Theek hai, a percentage ke andar aapko dekhenge aapko different options aa rahi hai, and I will want you to experiment with these options as well. So one option is percentage of grand total. So grand total kya hai, ye aapko 100% ye total hai. Achha, average spending in fact ye to uske upar it's probably not going to make a lot of sense here, but it does make sense in one way. Yeah, so let's just discuss that. Yahan pe aapke paas 100% aa raha hai, theek hai, 100% aapka grand total hai, total ki average hai. Now for days of the week you are getting these percentages, and this is relative to this grand total. Theek hai, this is relative to this grand total. Let me explain what this means. Kyunki yahan pe average hai na, average total spending hum use kar rahe hain. एवरेज के केस में इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी ना डिफरेंट हो जाती है. अगर ये टोटल स्पेंडिंग को हम 100% बेस लेते हैं तो मेल्स का 96% आ रहे हैं और फीमेल्स का 103% आ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि टोटल स्पेंडिंग अगर बेस है, टोटल एवरेज स्पेंडिंग, तो फीमेल्स उससे 2.5% ज्यादा स्पेंड कर रही है और मेल्स ओवरऑल एवरेज से अराउंड 3.5% कम स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली डेली जो डिफरेंसेस है वो भी इस तरह से हैं कि एज अ परसेंटेज ऑफ दिस ग्रैंड टोटल आपके ये जो ये वाली स्पेंडिंग्स हैं वो कितनी उस 100% से ज्यादा है या कम है. सो दैट्स व्हाट इट एक्चुअली मींस इन टर्म्स ऑफ टोटल स्पेंडिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पेंडिंग हियर. ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस. लेकिन अगर हम इसको सम ऑफ स्पेंडिंग कर देना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट मी चेंज इट फ्रॉम एवरेज स्पेंडिंग टू टोटल स्पेंडिंग. वहां पर टोटल स्पेंडिंग था, इसको हम सम ऑफ स्पेंडिंग कर देते हैं. सो ये तो आपकी टोटल स्पेंडिंग आ रही है थ्रू आउट दिस डेटा दैट यू हैव हियर. लेट मी चेक कितना डेटा आपके पास. डेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2006 मार्च से लेकर जून तक. सो इट्स मार्च 6 से लेकर जून 25th तक. सो यू गॉट अबाउट
let's say 3.5 months or so, उसका डेटा है, उसकी टोटल स्पेंडिंग है, इसको अगर मैं करता हूँ ना परसेंटेज शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, नाउ दिस शोज मी कि अगर ये टोटल 100% होता तो उसमें से ये आपकी परसेंटेजेस क्या क्या बन रही है. मेल्स की स्पेंडिंग ओवरऑल के अंदर 40% है, फीमेल्स की 60% है, और फिर इसी तरह ये जो डेली स्पेंडिंग्स आ रही हैं ये भी आपको शो हो रही है. ठीक है, दीज आर ऑल परसेंटेजेस विद रिस्पेक्ट टू द ग्रैंड टोटल. ठीक है, इसी तरह आप इसको ये भी चेंज कर सकते हैं, आप ये इसी तरह परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल तो आपको वही शो करेगा, ये कॉलम टोटल वही 100% उसी का शो करेगा इस केस के अंदर. बट यू कैन ट्राई फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल. अच्छा, जब आपको इस तरह से ब्रेकअप होता है ना, इसमें जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी होती है इसको हम पेरेंट भी कह सकते हैं, और जो नीचे वाली कैटेगरी है इसको हम ऊपर वाले का चाइल्ड कहते हैं बेसिकली. ठीक है, सो इफ यू वर टू राइट क्लिक ऑन दिस एंड चूज शो वैल्यूज एज परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल, देखिए आपकी थोड़ी सी चेंज होगी रिप्रेजेंटेशन. अब आपका जो ये टोटल है ना, ये आपका 100% बन रहा है, और ये टोटल भी 100% बन रहा है. ये क्या है, अब ये 17% जो शो हो रहा है ना, दिस इज 17% ऑफ द स्पेंडिंग बाय फीमेल्स. ठीक है, सो स्पेंडिंग बाय फीमेल्स ये आपकी बेस है, उसका 17% सैटरडे को है. तो फीमेल्स की जो टोटल स्पेंडिंग है उसका 17% वो सैटरडे को स्पेंड कर रही है, 19% या 20% फ्राइडे को स्पेंड कर रही है, उसका 14% थर्सडे को स्पेंड कर रही है, एंड सो ऑन. सिमिलरली जो मेल्स की टोटल स्पेंडिंग है उसका 29% वो सैटरडेज को स्पेंड कर रहे हैं, 9.7% वो संडेज को स्पेंड कर रहे हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, सो इस तरह से आपकी ये रिप्रेजेंटेशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट है for depending on आप percentage की base क्या लेते हैं. So you can try to experiment with these things, percentage of parent total, percentage of row total, column total, और ये हम बाद में भी देख रहे होंगे जब हम columns के अंदर भी कुछ add करेंगे. अच्छा, I'm going to stop here and I'll ask you if you have any questions from what we've done today. So we're formally done with our today's class. And we'll stop here. And I'll be taking your questions from now. And I'll recommend that before the next class, you attempt this whole worksheet that you have. You have PDF ke andar, you try to attempt it before the next class. Or next class ke andar, hum isko discuss karenge the questions that are there. Okay, yes. Any questions? We have about 7 to 8 minutes left. So any questions that you have? Can I, sir? Yes. Sir, in the female section, we are seeing this that women are spending more percentage on Friday. But in actual numbers, what we have seen is they were spending more on Thursday. Yeah. In terms of percentage, they were spending more on Friday. Okay, so that's a very good point, and I was. I just noticed that as well. So basically, there's a difference. The difference is, पहले हम देख रहे थे average spending, right? अगर इसको मैं average spending कर देता हूँ, like this. अब देखें average spending, देखें आप females की total spending जो भी हो, उसके corresponding, अगर ये 100% से ज़्यादा value है, इसका मतलब है कि average से आप ज़्यादा spend कर रहे हैं, average day से उस day को ज़्यादा spend कर रहे हैं. और 100% से कम है तो उसका मतलब है उतना उससे कम स्पेंड कर रही है. फॉर एग्जाम्पल थर्सडे को जो एवरेज स्पेंडिंग है दैट इज द हाईएस्ट ऑन थर्सडे एवरेज स्पेंडिंग. सिमिलरली फॉर मेल्स द एवरेज स्पेंडिंग इज द हाईएस्ट ऑन संडेज, राइट? सो दैट्स एवरेज स्पेंडिंग. अगर इसको मैं समराइज वैल्यूज बाय सम कर दूं तो ये टोटल स्पेंडिंग है. Total spending is different from average spending. Now, what that means is, let me give you an example. So, I'm not sure if I can show something from this data. Let me try.
ओके सो आप ये 6th मार्च को देखें, 6th मार्च इट्स अ मंडे. What is the total spending of males here? The total spending of males is $147. Does that make sense? Total spending of males is $147. Okay, let me just write it down somewhere. Total spending. Male average spending. Male, female. Okay, let me write down these numbers here. So, total spending of males on 6th March. I'm just looking at 6th March. Ko dekh rahe hain, theek hai? Males ki total spending. Dekhe, ye male ek hai sirf yahan pe. Total spending 147.32. Just write it down here. 147. टू एवरेज स्पेंडिंग क्या होगी मेल्स की, एक ही ऑर्डर है सर, एक ही ऑर्डर है और एक ही ऑर्डर के अंदर 147.32 है, तो इनकी एवरेज स्पेंडिंग में क्या हुई 147.32, राइट. अच्छा, फॉर फीमेल्स वी गॉट 5 ऑर्डर्स, सो दीज आर द 5 ऑर्डर्स बाय फीमेल्स. लेट्स चेक व्हाट देयर टोटल इज. द टोटल इज 425.44, ये बॉटम पे शो हो रहा है, मैंने सेलेक्ट किया जब उन को 425.44, that's total spending, 425.44. The average spending, average yahan pe kya show ho rahi hai, 85.09. You see, total spending aur average spending mein difference hai. Total spending yahan pe females ki zyada hai because overall wo 425 spend kar rahe hain aur males sirf 147 spend kar rahe hain. However, average spending जो है वो males की ज़्यादा है, because वो सिर्फ एक ही बंदे ने order किया था, उसने 147 को order कर दिया, और females की average जो बन रही है across those 5 orders, that's 85. तो average spending और total spending के trends different हो सकते हैं. That's why you see the difference here. Total spending का trend यहाँ पे थोड़ा different है, average spending का यहाँ पे trend थोड़ा सा different है. In fact, जो हम पहले interpretation की discussion कर रहे थे ना, that would actually make more sense on total spending rather than average spending. So यहाँ पे interpreting this would actually make more sense as compared to interpreting that average spending before. यहाँ पे आप देखें 29% of total spending जो males की तरफ से हो रही है, that's on Saturdays. So, यहाँ पे इवन दो पर ऑर्डर अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं थी जो हमने वहां पे भी देखा था, इनफैक्ट लेट मी जस्ट चेंज इट टू लेट्स से वैल्यूज ताकि आपको एक थोड़ा ज्यादा समझ आ जाए. इसको परसेंटेज के बजाय नो कैलकुलेशन कर देता हूँ. सिमिलरली लेट मी कंपेयर इट विद एवरेज स्पेंडिंग ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि डिफरेंसेस क्या किस वजह से आ रहे हैं. चेंज इट टू समराइज वैल्यूज बाय एवरेज. या देखिए टोटल स्पेंडिंग यहाँ पे इसका ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, सैटरडे को सबसे ज्यादा है लेकिन एवरेज उतनी ज्यादा नहीं है. द रीजन कुड बी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा हो, ज्यादा लोग जो है इस दिन स्पेंड कर रहे हैं, इस वजह से एवरेज तो इतनी ज्यादा नहीं हुई बिकॉज द स्पेंडिंग इज डिवाइडेड अक्रॉस मोर पीपल, लेकिन जो टोटल स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है. ठीक है, संडे को द एवरेज स्पेंडिंग इज वेरी हाई बट द टोटल स्पेंडिंग इज नॉट एज हाई. इसका मतलब यह है कि कम लोग ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन जितना वो जो वो ऑर्डर कर रहे हैं वो थोड़ी हाई अमाउंट्स में ऑर्डर कर रहे हैं. सो दीज एक्चुअली शो यू डिफरेंट थिंग्स. जो टोटल स्पेंडिंग आपको डिफरेंट चीज शो कर रहा है, एवरेज ऑफ स्पेंडिंग आपको डिफरेंट चीज शो कर रहा है. डज दैट मेक सेंस उसामा? Yes, sir. Clear, sir. No. So, आप जो spending के trends देखेंगे, it would make more sense to look at those trends using this total spending rather than the average spending. Yes, sir. And both things are different, sir. Yeah, these are different. Actually, yes. You can interpret them differently. Requirement be different. Yeah. So depends on what you want to achieve out of it.
Yes, sir. That's fine, sir. You can also create something else, by the way, and that is the number of orders that you're getting every day, right? So, you see, go, ye bhi kar sakte hain isko main. For example, I can create another table, and that can show you the number of orders that you're getting. So, average of total spending ki bajaye, what I can do is I can put here, for example, do we have an ID here? Items ordered by category, card type, region, time, day, date. Achha, ID to nahi hai hamare paas, so isi ko hum count kar lete hain, and that make more, that may make sense. Isko agar hum count kar dena, 400 aapke paas total aa rahe hai. Let's see kitne orders hain hamare paas total. Yeah, 400 orders hi hamare paas total. Isko currency to nahi hai ye, iska number format change kar dete hain number pe. And no decimal. This is basically number of orders. ये भी एक चीज आप देख सकते हैं कि number of orders का trend क्या है. देखिए आपको कह रहा था Saturday को mails ज़्यादा mails spend कर रहे हैं. As in the number of mails जो spend कर रहे हैं that's 54. That's why जब इसको आप 54 से divide करते हैं तो आपकी average थोड़ी कम आ जाती है. Sunday को कम लोग ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन जो वो ऑर्डर कर रहे हैं वो ऑन एवरेज स्पेंडिंग उनकी ज्यादा है. ठीक है, तो अब इन तीनों को टेबल्स को इकट्ठे देखते हैं तो यू गेट द कंप्लीट पिक्चर नाउ. ठीक है, सो अगर आपने देखना हो कि ज्यादा लोग, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल किस दिन को स्पेंड करते हैं, यू वुड लुक एट दिस टेबल. इफ यू वर टू लुक एट एवरेज स्पेंडिंग किस दिन ज्यादा होती है, यू वुड लुक एट दिस टेबल. अगर हम देखना होता टोटल स्पेंडिंग ज्यादा किस दिन, टोटल स्पेंडिंग का ट्रेंड क्या है, यू वुड लुक एट दिस टेबल. ठीक है, डज दिस मेक सेंस? यस सर, एब्सोल्युटली. अब ये क्लियर हो गया सर. या ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, I'm here for a few more minutes in case you have questions. Otherwise, you're free to leave. Sir, जो आपने PDF file upload की है ना sir, sir वो download के बाद जो उसके images हैं ना ये जो सामने show हो रहे हैं sir, वो show नहीं हो रहे हैं. That's not really possible. Is anyone else getting the same issue? Usama, are you having this issue? Usama, are you there? Acha, aap mere se screen share karti hain Shagufta? Can you show what? Sir, let me check, sir. Sorry. Yeah. So Gupta, can you share your screen? Yes, sir. It's fine for me. Yes, sir. मैं करती हूँ एक सेकंड. So I'm not counting any problem. Sorry? I don't have any problem, sir. It's fine. Okay. It's totally fine. Okay. So it's probably at Shagufta's end. So Shagufta, can please. Sir, sharing. Sir, sharing screen disable empty side pe aapne ki hai. Acha, let me allow this. So can you try now? Sir, abhi bhi disabled hai. Okay, yeah. Now, try now. Ji.
ओपन करें इस फाइल को। So Gupta, I'm sorry, I can't see the file. सर मैं शो कर रही हूँ पर आपको वो शो नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही है। आप शेयर जब स्क्रीन करती है ना, आपने स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, आपने कोई फाइल, आपने कोई स्पेसिफिक विंडो नहीं करनी, आपने जो सबसे टॉप लेफ्ट पे ऑप्शन आ रही है ना स्क्रीन की, स्क्रीन शेयर करनी है आपने। सर मैंने स्क्रीन शेयर की है सर, फिर उसके बाद वो फाइल जब पीडीएफ की मैं खोलती हूँ ना तो वो दूसरी स्क्रीन पे खुलती है, वो शायद आपको इसलिए शो नहीं हो रही है। आपने आप दो मॉनिटर्स यूज कर रही हैं? नहीं सर एक ही है, पर मेरे लैपटॉप पे दूसरी फाइल में खुलती है सर, वो शायद शो नहीं हो रही। मैंने ओपन की हुई थी, मैंने पूरी फाइल शो किया पर आपको नहीं हुई है। नहीं आप 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 शेयर स्क्रीन पे जब क्लिक करें ना अपनी तरफ से, तो सबसे टॉप लेफ्ट पे आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है फिर। ओके सर ठीक है। सर आप श्योर है आपको? आपकी विंडो चेंज करें अपनी, किसी और नहीं, किसी और कुछ और सेलेक्ट करें, नीचे अपने नीचे कुछ और सेलेक्ट करें, एक्सेल फाइल सेलेक्ट करें कुछ और। ओके ना नाउ नाउ आई कैन सी इट। या अच्छा ये आप किस डॉक्यूमेंट से खोल रही हैं आप, ये कौन सा टूल है जिससे आप खोल रही हैं?